चले नहीं मेरे पैसे रखे आप तो पैसे के मैं दौड़ जाना है चले ओके जी वन टू थ्री ले जी तो आज हम सारे जा रहे हैं बाहर वॉक पे आपको ये सबके सर दिखाएं ये आगे आगे चल रहे हैं साथ में हम ये इसी बच्चे को भी साथ लेके जा रहे हैं ये देखे जरा ले जी अब हम मोहल्ले से तो बाहर निकल आए हैं पहुंच गए हम खेतों में आपको इर्द गिर्द दिखाएं और एक और चीज आज जुम्मा था हमने सारे शॉर्ट कमीज पहनी हुई थी और बाहर आने के लिए हमें मजबूरन ये शूज पहनने पड़े हैं नीचे वो भी जॉगर्स शॉर्ट कमीज के नीचे जॉगर्स ले जी हम पहुंच चुके हैं अब अपने खेतों के अंदर आपको खेतों के तो व्यू दिखाएं ये देखें वो पीछे आपको ये जो है ना ये जो दो एक वो बिल्डिंग जो हल्का सा कमरा से हमारा बना हुआ है उसके पीछे ना पल्हू है और ये देखें और ये कुछ हमारे गांव के पीछे भी ये बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो गई हैं सारे खेत इन्होंने मोहल्ले के अंदर ही लगाने हैं अच्छा जी ये बच्चे पतंगें चढ़ा रहे हैं मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ जाके वो आपको नज़र आ रहा होगा ये देखें गाँव में खुला माहौल और उसमें आप बगैर किसी खतरे के पतंगे भी चढ़ा सकते हैं ठीक है पीछे डाल रहे हैं ये माँ बेटे दोनों तीनों वॉक कर रहे हैं ठीक है जी ये साइड पे जवाद है बुरहान ये देखें उड़ती भी जा रही है नीचे है ना मज़े का सीन अच्छा ये साथ ही अभी जो हम जा रहे हैं ना आगे इस रास्ते से तो ये हमारा एक पुल आता है और इसको हम कहते हैं पल्हू का पुल ठीक है तो पहले तो ये पल्हू जो था बहुत ही साफ जब मैं छोटा था ना तो तब ये बहुत साफ होता था एरिया और इसके अंदर से मछलियां निकलती थी और लड़के एक तरफ से निकल जाते थे और जाल मारते थे और तोड़ा भर लेते थे मछलियों का मेरे सामने ऐसे हुआ और अब वो बेचारा इतना गंदा हो गया हुआ है कि मछली अब होगी कोई इक्का दुक्का बच्चे कभी कभी पकड़ते हैं तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखें लेकिन ये अब जाहिर है बहुत गंदा हो गया हुआ ये देखें ये है जी हमारा पल्हू और पोल्यूशन आपको नज़र आ रही होगी प्लास्टिक शॉपर्स और ये वो इस साइड से भी लेकिन फिर भी चले बहुत सारी चीज़ें हमारे गांव के इर्द गिर्द इन्वायरमेंट अच्छा है ये भी देखें पीछे से गंदा आके कितना इकट्ठा हुआ हुआ है प्लास्टिक वगैरह तो इसलिए कहते हैं प्लास्टिक जो है ना ये डिग्रेडेबल नहीं होती तो ऐसे ही रहती है अभी हमने वो आगे जो ज़मीन नज़र आ रही है ना वहाँ तक जाना है ये देखें ये सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं ये लेने आए हैं शटाला ये बेसिकली यूज़ होता है भैंसों के लिए चारे के तौर पे तो सारा इकट्ठा करके ना उन्हें पोटलियाँ बना बना के तो फिर अपनी ट्राली पर रख के तो फिर लेके जाएंगे उसे काटेंगे फिर अपनी भैंसों के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो ये इस तरह चलता रहता है इनका सर्कट ये देखिए गंदम ऑलमोस्ट रेडी होने में आई हुई है बस ये थोड़े सी येलो होने वाले रह गए हैं बकाया ये फुल रेडी हो चुके हैं अब ये हल्की हल्की ग्रीन ग्रीन है ये भी थोड़े दिनों में कोई 10-15 दिनों में ये भी येलो हो जाएगी और फिर इसकी सारों की कटाई शुरू होगी और फिर सारे मोहल्ले का रश ना हमारे खेतों में आके लग जाते हैं कितना मजे का काम है वो जो आपको दरमियान में दरख्त नज़र आ रहा है ना ये मेरा फेवरेट दरख्त है और बहुत फैसिनेट करता है मुझे ये कहानियों की तरह का एक पास जाके मैं आपको दिखाऊंगा बड़ा प्यारा है ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाता हूँ बड़ी कमाल की शायद ये देखें कैसे बिल्कुल दरमियान में इर्द गिर्द फसल है दूर दरख्त नज़र घर नज़र आ रहे हैं और ये दरमियान में अकेला खड़ा हुआ ठीक है ये देखें व्यू देखें आप सारा सुनो तुम दोनों ने ना ये लगानी है दौड़
वो सामने आपको बना नजर आ रहा है, ये बिल्कुल साथ ही, वहां तक जाना है, उसे हाथ लगाना है और वापस आना है। देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। सीधे हो जाए, मैं आपको 1 2 3 करता हूँ। बना बना होता है ये जो सामने है यार, ये छोटा सा, ये सामने छोटा सा, ये बस, ये जो थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ है और आगे फसल है, ठीक है, इसको हाथ लगाना है और आना है। चलें जी, रुक जाए, चले, मेरे पैसे रखे आप, तो पैसे निकालो आपने, मैं दौड़ जाना है। चले, ओके जी, 1 2 3। फिलहाल जवाद आगे है, लेकिन मुझे लग रहा है बुरहान ने जीत जाना है। जी कम बैक ले जी, अब लगेगा पता। बिल्कुल बराबर बराबर आए थे, मैंने वीडियो बंद कर दी थी, बिल्कुल सेम, मैं जीता था, सेम लेवल पे आए हो तुम दोनों, बिल्कुल नहीं बराबर ले जी। तो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैजिक। आपको वो दूर एक बिल्डिंग नजर आ रही है, ये लंबी सी खड़ी हुई भी, इसकी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, इसी वजह से मैंने ली है अभी। उधर देख के बताइएगा कि आपको किस तरह की लगती है। हम इसी का काफी दफा आए हैं, आपने अगर मेरा क्रिकेट वाले ब्लॉग देखे हो तो मैं सारे यहीं पर रिकॉर्ड किए थे, आप पीछे देख सकते हैं, यही सेम जगह थी। तो आप पिछले दिनों बहुत बारिश हुई थी यहाँ पे, तो उसके आपको हालात दिखाते हैं। ये देखें, साथ ये यहाँ पे तालाब भी बन गया इतना बड़ा, तो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा तालाब बन गया। और एक नहीं, पीछे वो भी वहाँ पे भी करके एक वो बना हुआ है। इसी तरह अगर मैं जूम खराब ना हो तो और भी काफ़ी जगह देखें, आगे भी पानी खड़ा है। तो बारिश काफ़ी हुई थी इसलिए यहाँ पे पानी पानी खड़ा हो गया हुआ है। उधर हाथ रख, ओह नो, 10 किलो। और बाबा अपने बच्चे को पानी के अंदर गिराने की कोशिश कर रहे थे। मतलब था कि एक हाथ से उधर हाथ लगाए और दूसरे से मैं इसको खींच के रखूं। चलो जी, दोबारा 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 अगेन, चलो जी। ओ फिर उठी पैर नहीं, वो नीचे हो गया, अब नहीं होएगा। और और पानी को और लग गया। चले आपको पहाड़ दिखाते हैं, यहाँ पे एक पहाड़ भी है, बहुत बड़ा पहाड़ है, ये देखें बहुत ऊंचाई है इसकी, ये देख। ये मट्टी के ढेर है, पहाड़ की तरह लग रहे हो जी। बुरहान, वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाह रहे हो? पानी साफ है, शफाफ है, बोतल ठंडा है, ठंडा है, कैसे ठंडा है ये, कैसे ठंडा हुआ, एक्सप्लेन इट, होएगी होगा। अपनी साइंस को दौड़ाओ ना जरा, बताओ कैसे हुआ होगा, सरफेस टेंशन। सनसेट आपको दिखाता हूँ, हमारा कितना प्यारा लगता है, ये देखें, ठीक है, ये सनसेट हो रहा है। स्टिल काइट फ्लाइंग, ताहा तुम्हारी है, ताहा की है, मैं फिर उड़ा लूँ। वाओ, आपके सर पार्ट टाइम गुड़िया भी चढ़ाते हैं? हाँ, बचपन में चाहते थे आप, बचपन की हो गई हुई है, अभी तक याद है। लैंड कर गई है, वापस आ गए, हाथ धो रहे। होप आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग, ठीक है जी, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? बस
वीडियो को लाइक करके अगर नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया, बकाया इस तरह के ब्लॉग देखना था बड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह के मजे मजे के ब्लॉग आते रहेंगे साथ साथ। बकाया अल्लाह हाफिज़।